क्या आपने कभी इस तरह का शार्क देखा है जो बिल्कुल किसी ईल की तरह दिखाई देती हो? और क्या आपने कभी इस तरह का मछली देखा है जिसके पास एक रोशनी का एंटेना हो? अगर नहीं तो आइए देखते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अजीब और भयंकर मछली जो समुद्र की गहराई में रहता है। नंबर एक, ग्रेनेडियास। दोस्तों, ये मछली गहरे समुद्र में करीब 600 से 13,000 फीट तक गहराई में रहने वाली दुनिया के सबसे अनोखे और भयंकर मछली में से एक है। ये मछली लाइट से आकर्षित होती है। इनके आंखें भी इतनी तेज होती है कि हल्के से भी लाइट को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से दूसरी शिकारी मछली को भी नहीं छोड़ती। इस मछली को देखना इंसानों को नसीब लगता है, क्योंकि ये मछली बेहद ही रेयर होती है। आज के समय में ये मछली सबसे भयंकर किएचर में से एक माना जाता है, जो अच्छे खासे साइज की होती है। ये मछली करीब 3 फीट लंबा हो सकती है। नंबर चार, फील शार्क। अटलांटिक और प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली ये शार्क पूरी ईल की तरह दिखाई देती है। ये मॉन्स्टर पानी के सतह पर नहीं, बल्कि ये अधिकतर समुद्र के गहराई में रहना पसंद करती है। फील शार्क को साइंटिस्ट ने एक जीवित जीवाश्म रूप में वर्णित किया है। ये शार्क करीब 5,150 फीट गहराई में पाई जाती है और ये 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। नंबर तीन, अटलांटिक ओल्ड फिश। अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली ये मछली भेड़िया की तरह दांत होने के कारण इसे अटलांटिक ओल्ड फिश कहा जाता है। ये मछली देखने में जितना खतरनाक है, खाने में उतना ही टेस्टी होती है। यही कारण है कि इस मछली को व्यापक रूप से शिकार किया जाता है। इस मछली की दांत बाकी मछली से खतरनाक बनाती है, जिससे ये अपने शिकार को आराम से हजम कर सकती है। हालांकि इनके पास एक खास ताकत ये भी है, इनके गले में भी दांत होती है। ईल की तरह दिखने वाली ये फिश लगभग 5 फीट तक बढ़ सकती है। नंबर चार, एंगलर फिश। दोस्तों, ये मछली देखने में बेहद ही डरावनी होती है, क्योंकि इसके पास बड़े बड़े और नुकीली दांत मौजूद है, जिसकी वजह से हर वक्त अपने शिकार इंतजार करती है। इस मछली के पास एक खास तरह की रोशनी का स्टैंड होता है, जिसका इस्तेमाल फिशिंग रूट की तरह करता है। इसीलिए एंगलर फिश को दुनिया के सबसे अजीब और खास मछली बनाती है। ये फिश अटलांटिक महासागर की कई गहराई में रहना पसंद करती है, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, आखिर में मॉन्क फिश। दोस्तों, ये मछली कुछ कुछ मेंढक की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम मॉन्क फिश के अलावा मेंढक फिश भी कहा जाता है, जो इंडिया और अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। ये मछली देखने में काफी ज्यादा घिनौने और अजीब दिखाई देती है, लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी होती है। तभी तो मॉन्क फिश की कई डिशेस बनती है, जिसके कारण इनका शिकार किया जाता है। और ये मछली इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पानी से निकलने के बाद भी अटैक करने से बाज नहीं आती।